ये बयान नहीं है, ये देश के पिछड़ों को, दलितों को, महिलाओं को, युवाओं को, अल्पसंख्यकों को दी गई धमकी है, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी, उनकी उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी 400 पार ला करके देश का संविधान बदलना चाहती है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदलना चाहती है, दलितों, पिछड़ों, महिलाओं, युवाओं का उनसे अधिकार छीनना चाहती है और पूंजीपतियों को मजबूत करना चाहती है। ये धमकी है और देश की हर बेटी को, हर पिछड़े को, हर दलित को, हर युवा को इस धमकी को सुनना चाहिए। विवाद अठहराने में आए सैम पित्रोदरा ने इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरपन का चेयरमैन पद से इस्तीफा दे दिया। सैम पित्रोदरा ने अपनी मर्जी से इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के चेयरमैन पद से इस्तीफा देने का फैसला किया है और उसको स्वीकार भी कर लिया गया है। सैम पित्रोदरा जी ने एक गलत बात कही, उसकी नैतिक जिम्मेदारी ली और उन्होंने इस्तीफा दिया। देश के प्रधानमंत्री प्रतिदिन हेट स्पीच और जहरीला प्रोपेगेंडा बो रहे हैं। चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी से स्पष्टीकरण मांगा है। अगर देश के प्रधानमंत्री को जरा सी भी नैतिकता और शर्म है तो उन्हें सैम पिट्रोडा जी के उदाहरण को मानते हुए अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे में नैतिकता है तो उन्हें सैम पिट्रोडा जी के उदाहरण को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री का इस्तीफा उनकी हेट स्पीच के लिए स्वीकार करना चाहिए। सैम पिट्रोडा को चुनाव आयोग ने नोटिस नहीं भेजा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री को उनकी हेट स्पीच के लिए चुनाव आयोग ने उनकी पार्टी को नोटिस भेजा है। तो ये मौका है, प्रधानमंत्री नैतिकता दिखाएं, इस्तीफा दें। के साथ डील वाले तंज को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी ने पलटवार किया है। राहुल गांधी ने एक वीडियो में कहा कि नमस्कार मोदी जी, क्या आप डरे हुए हैं? आमतौर पर आप बंद कमरे में अंबानी अडानी के बारे में बात करते थे, पहली बार आपने सार्वजनिक रूप से अंबानी और अडानी कहा है। राहुल का बयान यह है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को बताया है कि अडानी जी के पास या अंबानी जी के पास काला धन है जो कि वो राजनीतिक दलों को देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में 10 साल में 13,000 करोड़ चंदा जमा किया है। मीडिया की रिपोर्ट बताती है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में इससे अधिक बढ़ करके 80,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जमा किए हैं, जिसका हिसाब किताब नहीं मिल रहा है, जिसका भारतीय जनता पार्टी ने कोई जवाब नहीं दिया है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जनता के मंच पे ये माना है कि ये चंदा, हजारों करोड़ का चंदा कहाँ से आता है। चंदा लो धंधा लो मॉडल जो कि इलेक्टोरल बॉन्ड से एक्सपोज हुआ है, प्रधानमंत्री जी ने अनेक इंटरव्यूज में माना है कि इलेक्टोरल बॉन्ड उनका आइडिया था, उस आइडिया के प्रति वो समर्पित हैं। इसका मतलब ये चंदा लो धंधा लो के किंग पिन स्वयं प्रधानमंत्री हैं और अपने बारे में ये उन्होंने ऐसा कह करके, अंबानी अडानी का नाम घसीट करके उन्होंने इस चुनाव में जनता को बता दिया है कि भ्रष्टाचार भी बहुत बड़ा मुद्दा है और भारतीय जनता पार्टी से सवाल किया जाना चाहिए। सेंट्रोद्रा पर भी पीएम का बयान आया, उन्होंने कहा सहयोगी और राजकुमार राहुल गांधी के सबसे बड़े सलाहकार ने जो कहा है वे शर्मनाक है। कांग्रेस को लगता है कि पूर्वोत्तर के लोग चीनी जैसे दिखते हैं, क्या ये देश ऐसी चीजों को स्वीकार कर सकता है? कांग्रेस को लगता है दक्षिण भारत के लोग अफ्रीका जैसे दिखते हैं। मैं कर्नाटक और तेलंगाना के कांग्रेसी मुख्यमंत्रियों से पूछना चाहता हूँ, क्या वे ऐसी राय को स्वीकार कर सकते हैं? तमिलनाडु के ऊपर भी उन्होंने ऐसा ही कहा। सैम पिट्रोडा ने जो कहा वो बिल्कुल ही बेतुका था, उन्होंने इसकी नैतिक जिम्मेदारी ली, उन्होंने इस्तीफा दिया। प्रधानमंत्री हर दिन हेट स्पीच दे रहे हैं, हर दिन पॉइजनस जहरीला प्रोपेगेंडा रच रहे हैं। सैम पिट्रोदा जी के उदाहरण को देखते हुए देश के प्रधानमंत्री, देश का सबसे प्रिय लोकप्रिय नेता, विश्व का सबसे लोकप्रिय नेता, अगर सैम पिट्रोदा जी के नैतिक उदाहरण को लेता है, जो कि स्वयं गुजरात से आते हैं, तो प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, अपनी हेट स्पीच की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए। और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, अगर उसको चाल चरित्र चेहरे में इस नैतिकता का उदाहरण लेना है तो उसे प्रधानमंत्री जी का इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए। द बॉल इज इन पीएम्स कोर्ट। अब देश देख रहा है कि क्या प्रधानमंत्री अपनी हेट स्पीच की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देंगे कि नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जी, आप में अगर नैतिकता है, इस्तीफा दीजिए। सैम पिट्रोडा जो गुजरात से आते हैं, उन्होंने आपको एक उदाहरण दिया है। का नहीं बल्कि राहुल गांधी का बयान है, यह महात्मा गांधी के सिद्धांतों के खिलाफ बयान है। मैं प्रधानमंत्री से अपील करता हूं कि ऐसे बयान देने वाले लोगों, ऐसी सोच और ऐसी पार्टियों के खिलाफ कार्रवाई करें। भारतीय जनता पार्टी ने देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा एहसान किया है। देश भर में जो घटिया से घटिया ठग थे, उनको चुन चुन के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। अब वो ठग क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में आए हैं तो अपनी जगह बनाने के लिए बाकी ठगों से प्रतिद्वंदिता कर रहे हैं और इसीलिए उनको ऊल जलूल बयान देने हैं। तो अभी आप देखिएगा, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी की हार,
जमीन पर जनता के बीच में दिखने लगेगी, वैसे वैसे ये ठग और उग्र होकर बोलेंगे। कोई बोलेगा उसे सपने में राहुल गांधी आए थे, कोई बोलेगा उसे सपने में अखिलेश यादव आए थे, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा। देश की जनता इन ठगों को पहचान गई है। इसके लिए देश की जनता को भारतीय जनता पार्टी का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि चुन चुन के अमित शाह जी ने देश भर के ठगों को अपनी पार्टी में जमा कर लिया है। सर, ब्रह्मपुर लोग अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव लड़ने से पहले ही अपनी जीत का ऐलान कर दिया था, अब चीजें बदल गई हैं और वे अब घबरा रहे हैं। उन्हें दिख रहा है कि नतीजे उम्मीद के मुताबिक नहीं होंगे, इसलिए वे लोगों को गुमराह करने के लिए हर हथकंडे अपना रहे हैं। हालांकि उन्होंने ममता बनर्जी सरकार पर भी निशाना साधा कि राज्य में सत्ता विरोधी लहर। जमीन पर हर वोटर ये चाहता है कि वो रोजगार के नाम पे वोट दे। जमीन पर हर बेटी चाहती है कि वो प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ वोट दे, ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ वोट दे, रवि किशन के खिलाफ वोट दे, पवन सिंह के खिलाफ वोट दे, भारतीय जनता पार्टी के गुजरात मॉडल के खिलाफ वोट दे, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उन दरिंदे बलात्कारियों को बचाया था बिल्किस बानो केस में। तो इस तरीके से देश का हर वोटर अपने मुद्दों को पहचानता है, लेकिन प्रधानमंत्री उन मुद्दों को मानते नहीं हैं। उन्हें लगता है महंगाई की कोई लड़ाई नहीं है देश में, बेरोजगारी की कोई लड़ाई नहीं है देश में, देश की बेटियों के लिए ये विषय ही नहीं है कि प्रज्वल रेवन्ना के लिए प्रधानमंत्री जी ने वोट मांगा, उसकी ताकत बन के खड़े रहे, ब्रजभूषण शरण सिंह के ताकत बन के खड़े रहे। और जिस तरीके से बिल्किस बानो केस में भारतीय जनता पार्टी की समूची सरकार उन बलात्कारी दरिंदों को बचाती रही, इससे देश की बेटियों को फर्क नहीं पड़ता, ऐसा प्रधानमंत्री जी को लगता है। इसीलिए प्रधानमंत्री उल जलूल बयानों पर राजनीति कर रहे हैं। अब की बार 420 का नारा, 420 पार का नारा घर घर पहुंच चुका है और देश की जनता कह रही है अब की बार 420 पार। और वाड्रा और राहुल गांधी को चुनौती देती हूँ, भाजपा के साथ बहस करने के लिए समय और तारीख और मुद्दा चुने। दोनों भाई बहन एक तरफ और बीजेपी की एक प्रवक्ता एक तरफ, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कांग्रेस मुद्दों से भाग रही है। स्मृति ईरानी जी देश की महिला कल्याण मंत्री हैं, मुद्दा सामने है, हर बेटी ने चुन लिया है कि आप प्रज्वल रेवन्ना के साथ खड़ी हैं या देश की बेटियों के साथ खड़ी हैं। स्मृति ईरानी चुप हैं। स्मृति ईरानी देश की बेटियों के सामने हैं, मुद्दा साफ है कि आप ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी हैं मोदी का परिवार बनकर, क्योंकि वो भी मोदी का परिवार है, प्रज्वल रेवन्ना भी मोदी का परिवार है, या फिर देश की बेटियों के साथ खड़ी हैं। स्मृति ईरानी चुप हैं। स्मृति ईरानी देश की अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री भी हैं, मुद्दा साफ है, देश के लोग कह रहे हैं कि क्या आप हेट स्पीच के साथ खड़ी हैं, प्रधानमंत्री के साथ खड़ी हैं जब वो प्रतिदिन हेट स्पीच देते हैं, या उसके खिलाफ खड़ी हैं। स्मृति ईरानी चुप है। तो देश की जनता ने इस बहस में मुद्दा चुन लिया है। स्मृति ईरानी को बहस करने की जरूरत नहीं, खाली बोलने की जरूरत है। खाली बोलने की जरूरत है कि देश का प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना जैसे दानवों के लिए वोट नहीं मांग सकता, देश का प्रधानमंत्री ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए वोट नहीं मांग सकता, देश का प्रधानमंत्री हेट स्पीच नहीं दे सकता। इतना बोलना उनके नैतिक कार्य का निर्वहन है, क्योंकि वो मंत्री हैं इस पद की, और नहीं कर सकती तो इस्तीफा दीजिए, चुनाव तो आप लड़ ही रही हैं। हमेशा कहते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि वे एक झटके में गरीबी हटा देंगे। राहुल गांधी, आपको अपना ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहिए। आपकी दादी ने एक झटके में ही आपातकाल लगाया था, आपके पिता ने एक झटके में ही 3 तलाक फिर से लागू किया, और आपकी कांग्रेस सरकार ने एक झटके में पिछड़े वर्गों से आरक्षण छीन लिया है। कांग्रेस पार्टी और यूपी में उसकी सहयोगी समाजवादी पार्टी पिछड़े वर्गों की विरोधी है। अमित शाह लखीमपुर खीरी में टेनी परिवार को आशीर्वाद देने गए हैं, वो परिवार जिसने किसानों के ऊपर पिस्तौल लहराई, गालियां दी और किसानों को जीप के तले रौंद डाला। अमित शाह सिर्फ इसलिए गए हैं कि उस परिवार का हौसला बढ़ा सकें। उनका राहुल गांधी समाजवादी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। देश के किसानों को देखना चाहिए कि देश का गृह मंत्री एक ऐसे व्यक्ति के साथ खड़ा है जो सीना तान करके 56 इंच की छाती के साथ किसानों के ऊपर बंदूक लहराता है और उनके ऊपर थार चढ़ा देता है, जीप चढ़ा देता है। और देश का हर एक किसान, उत्तर प्रदेश का हर एक किसान आज इस पर फैसला लेगा कि जिसने किसानों के ऊपर ड्रोन से फायरिंग कराई, जिसने किसानों के पैर के नीचे कीले लगा दी, जिसने देश के अंदर ही सरहदें बिछा दी, जो किसानों के ऊपर जीप चढ़ा दे, क्या उसको वोट करना है या उनको वोट करना है जो कह रहा है कि देश के हर किसान को MSP की गारंटी होनी चाहिए। ये देश के वोटर को तय करना है, लखीमपुर खीरी के वोटर को तय करना है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और टेनी को दिया हुआ हर किसान का वोट उन किसानों के प्रति विश्वासघात है जिनके ऊपर टेनी ने जीप चढ़ाई थी।
बयान उस बयान पाया है कि छोटे भाई अकबरुद्दीन ओवैसी कहते हैं पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे कि हम क्या कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपको 15 मिनट लगेंगे, हमें सिर्फ 15 सेकेंड लगेंगे। अगर आप 15 सेकेंड के लिए पुलिस हटा देंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे कि कहाँ से कहाँ गए और क्या हो गया, हमें सिर्फ 15 सेकेंड लगेंगे। उन्होंने अपनी बात को दोहराते हुए कहा कि AIMIM और कांग्रेस को वोट देते हैं तो ये सीधे पाकिस्तान को जाता है। पाकिस्तान जिस तरह से AIMIM प्रेम और राहुल प्रेम दिखा रहा है, मोदी को हराएगा। और साफ तौर पर ये जो इशारा है उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर भी किया है। नवनीत राणा प्रतिदिन डेस्परेट होकर के हिंदू मुस्लिम नफरतों पर वोट मांग रही हैं, प्रधानमंत्री भी यही कह रहे हैं। मैं आपके दर्शकों से कहना चाहता हूं, देश की जनता से कहना चाहता हूं, अगर आप हिंदू मुस्लिम नफरतों के आधार पर, क्योंकि प्रधानमंत्री आपसे इस नफरत का आह्वान कर रहे हैं, नवनीत राणा इस नफरत का आह्वान कर रही हैं, अगर आप नफरत के आधार पर इस चुनाव में वोट करना चाहते हैं, बेहिचक नवनीत राणा को वोट कर दीजिए, बेहिचक नरेंद्र मोदी को वोट कर दीजिए। लेकिन 15 मिनट, 15 सेकेंड, 5 सेकेंड क्या होता है? नवनीत राणा को 5 सेकेंड जाके उन बेटियों से मिलना चाहिए जिन जिनके ऊपर प्रज्वल रेवन्ना ने दरिंदगी की, और उसके बाद पूछना चाहिए कि जब प्रधानमंत्री प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांग रहे थे, मंच पे खड़े होकर कह रहे थे कि इस दानव को वोट दो, इससे मैं मजबूत होता हूँ, उन बेटियों पर क्या गुजरी? नवनीत राणा को 15 मिनट जाकर के ब्रजभूषण शरण सिंह के लिए अभियान चलाना चाहिए, कैंपेन करना चाहिए, तब उन्हें पता चलेगा कि 15 मिनट कितना भारी पड़ सकता है। तो देश की बेटियां ये चुनाव लड़ रही हैं, दानवों के खिलाफ लड़ रही हैं। वो दानव पहले तो रावण सिर्फ दक्षिण में श्रीलंका में था, जैसे कि हमारी हमारे रामायण में है। आज भारतीय जनता पार्टी ने दानव उत्तर प्रदेश में पैदा कर दिया है, आज भारतीय जनता पार्टी ने दानव कर्नाटक में पैदा कर दिया है, आज भारतीय जनता पार्टी ने दानव गुजरात में पैदा कर दिया है। चाहे वो बिल्किस बानो के रेपिस्ट हो, चाहे वो प्रज्वल रवन्ना हो, चाहे वो ब्रजभूषण शरण हो, या फिर अन्य इस तरह के भारतीय जनता पार्टी के नेता हों, ये दानव, ये राक्षस पूरे देश में फैले हुए हैं, और भारतीय जनता पार्टी इनको मजबूत करने के लिए वोट मांग रही है। नवनीत राणा को इनके लिए प्रचार करना चाहिए। द्वारा किए गए एक अध्ययन में पाया गया है कि 1950 से 2015 के बीच भारत में जो जनसंख्या के में बहुसंख्यक आबादी है उसकी हिस्सेदारी लगभग 7.8% घटी है। इसके साथ ही पाकिस्तान और बांग्लादेश की जनसंख्या में बहुसंख्यक आबादी की हिस्सेदारी बढ़ी है। हालांकि इसमें जो जनसंख्या है वो अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की बढ़ी हुई देखी जा रही है। सब जानते हैं प्रधानमंत्री जी का बयान कि प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके आसपास के लोग, उनके जो रवैये हैं उसके अनुसार उनको गुमराह करने के लिए ऊल जलूल डाटा प्रस्तुत करते रहते हैं। इस सरकार ने किसी भी प्रमुख मुद्दे पे डेटा प्रस्तुत ही नहीं किया। इस सरकार से कहा गया आप जनगणना, जातीय जनगणना कीजिए, सेंसस कराइए, सरकार ने नहीं कराया। इस सरकार से कहा गया आप बेरोजगारी का डाटा दीजिए, सरकार ने नहीं दिया। इस सरकार से कहा गया कि जो आपने अचानक से लॉकडाउन लगा करके देश के गरीबों को, मजदूरों को, आम आदमी को परेशान तहस नहस कर दिया, आप ये बताइए कि ट्रेन में कितने मजदूर मर गए, इस सरकार ने नहीं दिया। इस सरकार से कहा गया कि जब आप चुनाव जीतने के अंधे धुन में बंगाल में प्रचार कर रहे थे और कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा था, बहुत सारे लोग मर गए, ये बताइए कितने लोग ऑक्सीजन की कमी से मरे, सरकार ने डेटा नहीं दिया। तो सब जानते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद कहते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके आसपास के लोग उनको गुमराह करने के लिए जिस धार पर वो चल रहे होते हैं, आजकल प्रधानमंत्री हेट स्पीच के धार पर चल रहे हैं, तो उसके अनुसार उन्हें डेटा देते हैं। इस डेटा की उतनी ही अहमियत है जितना प्रधानमंत्री जी की अपनी हेट स्पीच पे नैतिकता की अहमियत है।